ठीक है, चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ महेंद्र सागर जो कि खान सर के दोस्त हैं, वो खुद जुड़ चुके हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। पहले सामने आता है कि अमित सिंह खान सर का नाम है, असली नाम क्या है और क्या जानते हैं आप खान सर के बारे में? मैडम, हम लोग एक साथ किसान कोल्ड स्टोर कैंपस मुसल्लापुर हाट में हम लोग एक साथ पढ़ाते हैं, एक ही कैंपस में। हम वहाँ पे BSc मैथ पढ़ाते हैं और खान सर पिछले 4 सालों से हम लोगों के कैंपस में पढ़ाते हैं और वहाँ पे पटना में भी सभी वहाँ के जितने भी जानने वाले हैं, मतलब जितना भी मार्केट है वहाँ, उनको खान सर के नाम से ही सब जानते हैं। और हम लोग कुछ आदमी कैंपस के ही कुछ आदमी हम लोग जानते हैं कि उनका नाम फैजल खान है। तो साथ में मकान मालिक के साथ जो एग्रीमेंट है तो सर लोग भी जानते हैं, अंकल लोग भी जानते हैं, उनका नाम फैजल खान ही है और कोई अमित सिंह कोई ऐसा कोई बात नहीं है, उनका नाम फैजल खान ही है। ठीक है, उनका नाम फैजल खान है। उनके परिवार के बारे में और क्या कुछ आप जानते हैं ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले उनका पटना कनेक्शन सामने आया था, अब सामने आया कि उनका जो घर है वो देवरिया में, उनका पूरा परिवार देवरिया में रहता है। जी मैडम, मतलब उनका एक भाई है, उनका नाम फैज है, वो उनके साथ रहते हैं और साथ में उनका हेल्प करते हैं, इतना तो जानते हैं। एक ही कैंपस में है तो इतना बात जानते हैं कि उनके साथ एक भाई रहते थे और खुद अपने पढ़ाते हैं। तो ये जो बाद में बातें निकल कर सामने आई कि खान सर कौन है, इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया, जबकि सब कोई तो जानते हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके करीबी हैं, आप जैसे उनके दोस्त हैं जो उनको बचपन से जानते हैं, तो ये कुछ लोग थे क्या जो जानबूझ के इसको मुद्दा बनाना चाहते थे? मुद्दा इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है और मुस्लिम रहते हुए भी अपना अपने संस्थान में सरस्वती पूजा किए और वो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो गया, इसलिए सब टारगेट किए हुए हैं कि मुस्लिम होकर पूजा क्यों किए, ऐसा इसलिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, वो एक शिक्षक हैं और उनकी क्लास में तो हिंदू मुस्लिम हर धर्म के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जैसे कि विद्या की, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, तो क्या कट्टरपंथियों की बौखलाहट है? जो र्यूमर जो फैला रहे हैं वो लोग जानेंगे, हम लोग एक शिक्षक हैं और हम लोग तो कोई तो राजनीति करते नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हम लोग तो जो आते हैं सभी को पढ़ाते हैं। महेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि वो पटना में उनका जो कोचिंग क्लासेस है वो चलाते थे, वहां पर वो किसके साथ रहते थे? वो उनका एक भाई है, फैज नाम है उनका, वो साथ में रहते हैं। तो कब से जुड़े हुए हैं आप खान सर से, कब से आपकी दोस्ती है उनसे? सर अभी तो कुछ दिनों से उनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन बात होती थी मेरा उनसे, अभी शायद बहुत बिजी हो गए हैं इसलिए बात नहीं होता है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे कैंपस में, मतलब जिस कैंपस में हम पढ़ाते हैं उसी कैंपस में सब साथ मिलकर पढ़ाते हैं, 4 साल से उनको हम जानते हैं। महेंद्र जी, क्योंकि आपने उनके भाई के बारे में भी जानकारी दी, एक बड़ा सवाल यहाँ से ये उठ रहा है कि ये बताया जा रहा है उनके पिताजी पत्रकार हैं, उनके पिता के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमको जैसा पता है, अंकल जी जो जहाँ पे खान सर पढ़ाते हैं और हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ का जो मकान मालिक है वो बताते हैं कि उनके पिता शायद नेवी उवी में है और उनका पुराना घर बिहार के सिवान में था, इतना वो लोग बताते हैं हमेशा। तो आप 4 साल आप साथ रहे, बातचीत आपकी उनसे होती रही होगी, तो आपको कभी ये तो नहीं लगा कि खान सर अमित सिंह है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात करते थे, वो हमको फोन करते थे, हम उनको फोन करते थे, अभी कुछ दिनों से बात नहीं हो रहा है बस। मतलब आपको कभी नहीं लगा कि वो अमित सिंह है या फिर उनकी कोई और पहचान है? नहीं 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 अमित सिंह हो ही नहीं सकते हैं, उनका नाम फैजल खान ही है, इतना एकदम एकदम हम श्योर हैं और आपको भी बता देना चाहते हैं उनका नाम अमित सिंह नहीं है। तो अब तो देखिए काफी पॉपुलर वो हो गए हैं, हर कोई उनके बारे में और भी जानना चाहता है, उनसे सवाल पूछना चाहता है, क्या आपने कोशिश की बात करने की एक बार फिर से? चूंकि मेरे पास जो नंबर था पहले का उस नंबर पे हम एक दो बार ट्राई भी किए तो फोन लगा नहीं, अब वो शायद नंबर चेंज कर लिए, इतना ज्यादा उनको फोन आता था ना, मतलब पिछले साल
तो इसलिए वो नंबर चेंज कर रखे हैं, अपना पर्सनल नंबर अलग रखे हैं। तो हमसे पटना में मिले नहीं है उनसे अभी एक साल से, तो इसलिए नंबर मेरे पास अभी उनका नहीं है। महेंद्र जी, ऐसा लगता है आपको कि जैसे ये दरअसल YouTube बड़ी ही अलग चीज है, जब आपको कोई मुद्दा मिलता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आपके लाइक्स बढ़ जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, आपके व्यूज बढ़ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है खान सर भी चाहते हो कि ये चलता रहे हंगामा और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता रहे, लाइक्स और व्यूज भी बढ़ते रहे? नहीं, ऐसा वो क्यों करेंगे, मतलब वो काफी अच्छे पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी YouTube पे वीडियो डालते हैं, उतना व्यूज तो आता नहीं है, लेकिन उनको पहले से बहुत सारे स्टूडेंट जानते थे, तो उनका जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते गया वैसे वैसे वायरल होते गए, तो वो तो सिर्फ YouTube पे वीडियो डाले पढ़ाई से रिलेटेड और वायरल स्टूडेंट ने कर दिया। तो देखिए, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि आपने बात करने की कोशिश की लेकिन शायद उन्होंने नंबर बदल लिए हैं, तो आपके और भी कई दोस्त होंगे जो उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त जो उनके संपर्क में इस वक्त हैं? हाँ, वहाँ पे एक अंकुश सर है, फिर मेरे अंकल है जिनका वो जिनके मकान में हम लोग पढ़ाते हैं, उनसे हमेशा बात होती रहती है। तो महेंद्र जी, जैसे मैं कह ही रहा था कि अगर महेंद्र की जगह मोहसिन खान हो जाए तो आपका भी YouTube चैनल हिट हो सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान सर ने भी सोचा होगा कि चलो अच्छी बात है, नहीं कट्टरपंथी नहीं भी नाराज हैं और ऐसा बाकी लोग भी खुश हैं? सर देखिए, अगर मान गए ऐसा करना ही होता तो बहुत पहले, मतलब ऐसा कौन जानता था कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा पहले ये सब नहीं मान सकते हैं कि नाम चेंज करके अपना ये पब्लिसिटी कमा सके। लेकिन जो उदाहरण देते हैं, जैसे उन्होंने वो फ्रांस वाला उदाहरण दिया, जब पाकिस्तान में रैली हो रही थी तो उन्होंने एकदम कहा कि भैया छोटा बच्चा रैली में जाएगा तो पंचर साटेगा, फिलिस्तीन और इसराइल में भी जब उदाहरण देते हैं तो बड़े खतरनाक उदाहरण देते हैं, और ऐसे उदाहरण देते हैं कि जो कई खास लोगों को पसंद नहीं आते, वो उन उदाहरणों से तिलमिला जाते हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? सर वो हमेशा से क्लास में देखते हैं, वो हमेशा से इसी तरह का उदाहरण देते हैं जिससे बच्चे खुश रहे, हंसे हंसाए सबको, मतलब यही चाहते हैं कि सब बच्चे को हंसा के रखे, अच्छा, तो तो इसी क्या तरह कभी से इससे पहले देखने को उनका। मिला कि ऐसा कोई विवाद पहले हुआ हो, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि उनकी तो आदत में ही है वो इसी तरीके से एग्जाम्पल हमेशा देते हैं जिससे बच्चे खुश रहें, बच्चों को समझ में आए, इस बार तो वो वायरल हो गए, क्या कभी पहले विवाद आपके सामने देखने को मिला? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था, मतलब कुछ दिन पहले आज से 2018-19 में, 2018 के लास्ट में एक बार विवाद हुआ था, तो एडमिशन को लेकर हुआ था, तो वहाँ के कुछ बच्चे ने बम फोड़ दिया था उनके क्लासरूम में और उनका ऑफिस ऑफिस सब तोड़ कर दिया था, तो यही एक विवाद हुआ था बड़ा सा, नहीं तो उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ है। तो चलिए महेंद्र जी, बहुत सारी बातें की आपने खान सर के बारे में, तो उम्मीद करते हैं पढ़ाते रहेंगे अच्छी तरह से, ऐसे ही एग्जाम्पल देते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।